हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ, वो होने वाली है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आप सभी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो इसमें मैं काफ़ी अच्छी खबर देने वाला हूँ और काफ़ी अच्छी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोज़ आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप कहीं पर भी जाते हैं या फिर कहीं पर भी आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और किसी को मैसेज करना चाहते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं और आप किसी को नंबर शेयर नहीं करना चाहते या सेव नहीं रखना चाहते अगले का नंबर, और फिर भी आपको व्हाट्सएप करना है, तो वो आप इस वे में कर सकते हो। आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है अगले बंदे का, आप डायरेक्टली उसे मैसेज कर पाओगे। अब वो कैसे कर पाओगे, कितने तरीके से कर पाओगे, वो सारी बात करेंगे। तो मैं इसमें दो मेथड आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिना नंबर सेव किए अगले को व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर जैसे जोमेटो वगैरह वाले कई बार लोकेशन मांगते हैं, या फिर आपको कहीं पे प्रिंट निकलवाना हो तो फिर भी आपको मतलब नंबर सेव करने पड़ते हैं अगले बंदे के, जो आप नहीं चाहते कि मेरे मोबाइल में अनवांटेड नंबर सेव हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप बिना सेव किए ही अगले को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये कैसे कर सकते हो वो सारी बात बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और बात करते हैं कैसे क्या करना है। तो जैसे हम मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं तो बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको ये फीचर्स यूज़ करना है और आपको अनवांटेड नंबर सेव करने से बचना है। और ये चीज़ लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं और सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो उनको लोकेशन भेजना हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना हो किसी अननोन पर्सन को, तो वो नंबर उनको सेव करना पड़ता है। बाद में ही वो उनको मतलब चैट्स कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी नंबर सेव नहीं करना होगा, आप डायरेक्टली चैट कर सकते हो, डायरेक्टली उनको डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, डायरेक्टली सारा काम कर सकते हो बिना कॉन्टैक्ट सेव नंबर के। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से ये सब कुछ काम करना है। तो यहाँ पे दो मेथड मैं बताने वाला हूँ, वैसे तो तीन चार मेथड है लेकिन इस वीडियो में मैं दो मेथड ही जेन्युइन मेथड जो है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है, आप प्ले स्टोर पे जाना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू चैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर ओपन कर लेना है, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डायरेक्ट आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मतलब जिसका भी आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, जिससे चैट करना चाहते हो या जिसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करना चाहते हो, लोकेशन वगैरह शेयर करना चाहते हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे ये कंट्री कोड लगाना ना भूले, जैसे इंडिया में अगर आप कहीं पे इंडिया के नंबर पे भेज रहे हो तो +91 लगा लीजिए। ठीक है, अगर इंडिया से ही हो तो +91 लगा देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो +9 मैंने लगा दिया है और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली कॉन्टैक्ट नंबर डाला और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे आपके अगर मोबाइल में दो व्हाट्सएप है, जैसे बिजनेस और नॉर्मल जो व्हाट्सएप आता है वो दोनों हैं, तो जिसमें भी आप चैट करना चाहते हो वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे मैं बिजनेस में यहाँ पे कनेक्ट होना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे बिजनेस वाला एप्लीकेशन आ गया है, तो इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मुझे बिना नंबर सेव किए यहाँ पे कॉन्टैक्ट मतलब ला दिया है और यहाँ पे चैट का ऑप्शन आ चुका है। अब डायरेक्टली आप यहाँ से कुछ भी इसके लोकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितना भी आप जैसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके करते हो, वो काम सारा आप बिना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करे भी कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये फीचर्स अभी तक आपको नहीं पता था, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों को ये फीचर्स पता था और कितने लोगों को नहीं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको अननोन पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाते हैं आपके फ़ोन में, फिर आप डिलीट करते रहते हो ये किसका था ये किसका था, तो इस तरीके से काफ़ी मतलब दिमाग में खिचड़ी बन जाती है और मोबाइल में भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड भी काफ़ी अच्छा है, सेकंड मेथड खुद व्हाट्सएप का है और ये भी जेन्युइन मेथड है और वो भी जेन्युइन मेथड है। तो यहाँ पे अब सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैक चलते हैं और सिंपली आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है अपना। व्हाट्सएप
ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखिए साइड में कॉर्नर में एक थ्री डॉट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे प्रोफाइल के आगे देखिए एक बार कोड आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, तो बार कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए, अब आपको किसी को नंबर शेयर करना है बिना कॉन्टैक्ट सेव कराए, तो आप इस कोड को स्कैन करवा सकते हो। जैसे आपको कोई बंदा व्हाट्सएप करेगा या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेज रहा है, तो आप उसको ये कोड दे दीजिए। उसके बाद में क्या करना है, अब नेक्स्ट बंदा क्या करेगा, ये कोड देख के और फिर यहाँ पे जा रहा है स्कैन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेकंड ऑप्शन स्कैन कोड का, तो यहाँ पे वो कोड स्कैन करना है। जैसे यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे ये कोड स्कैन कर लेना है। अब किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एक फ़ोन लेता हूँ सेकेंड, और बात करते हैं कि कैसे स्कैन करना है इस चीज़ को। ओके, तो इसको स्कैन व्हाट्सएप QR कोड इसको ओके कर देना है। अब देखिए मैंने सेकेंड फ़ोन में ये ओपन कर लिया है कोड, और यहाँ पे मैं स्कैन करूँगा तो डायरेक्ट इसकी चैट पे चला जाऊँगा। मेरे ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट सेव है, अगर सेव नहीं भी होंगे तो आप इसकी चैट्स पे चले जाओगे और यहाँ सेम काम कर सकते हो। यहाँ डायरेक्टली आप जो भी चैट्स वगैरह करना है या फिर फोटोज़ वगैरह भेजनी है, प्रिंट निकलवाना है, वो सारा काम कर सकते हो बिना नंबर सेव किए, ठीक है। तो जैसे आपकी अगर कोई दुकान है तो आप इस कोड को यहाँ पर प्रिंट करवा के अपनी शॉप पे लगा सकते हो। जैसे ये कोड हो गया, इसको आप अपनी शॉप पे लगा लीजिए और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस कोड को आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट थे वो शेयर कर सकते हो। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, अगले का भी टाइम बचेगा, और उसके मोबाइल में भी कचरा नहीं भरेगा। जैसा कि कई नंबर्स आपको सेव करने पड़ते हैं, 2 सेकेंड के लिए नंबर सेव करना पड़ता है, लेकिन जो मैंने दोनों मेथड बताए हैं उसकी मदद से आपको अब नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उनसे चैट कर सकते हो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो, डायरेक्ट लोकेशन वगैरह शेयर कर सकते हो, किसी का भी नंबर हो, इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके, तो ये कोड आपको अगर सेव भी करना है तो आप इसे निकाल सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो। तो किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है शेयर कोड, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ये यहाँ पे शेयर पूछेगा कहाँ पे आपको शेयर करना है, तो कहीं पे भी आप व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दीजिए, ये कोड आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसका प्रिंट निकाल के या फिर आपको किसी को भेजना है तो आप भेज सकते हो, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन कोड पे करके और यहाँ पे गैलरी में से आके वो कोड स्कैन कर लेना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे फ़ोन से उसको ओपन करना है और फिर उसको स्कैन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट गैलरी से जाके इसे अपलोड कर सकते हो कोड को, ये डायरेक्ट वहाँ पे ओपन हो जाएगा, चैट्स उसकी ओपन हो जाएगी। तो आई होप ये फीचर्स आपको, दोनों फीचर्स आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये फीचर्स कैसे लगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।